when the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, launched Gati Shakti Vishwavidyalaya, his vision was the university, Gati Shakti Vishwavidyalaya, should become the fulcrum, should become the biggest source of talent for the entire transportation industry in the country and for the entire world, which basically means best of the talent, the engineering talent, the operating talent, the maintenance talent, the design talent for aviation, railway, heavy trucking, maritime, shipping industry, port sector, warehousing sector, all these sectors should be the focus area for Gati Shakti Vishwavidyalaya. In sub sectors mein jis tarah ka talent chahiye, closely work with the industry. PM sahab ne clearly kaha tha, industry ke saath ekdam intensely kaam karo. For example, BTech ka agar program hai, 4 साल के प्रोग्राम में करीब करीब आपका 2.5 साल आउट ऑफ द 4 ईयर कोर्स, एटलीस्ट 2.5 ईयर्स शुड बी डेडिकेटेड टू वर्किंग एंड ट्रेनिंग विद द इंडस्ट्री. मान लो हाई स्पीड रेल का बीटेक कोर्स कोई स्टूडेंट करता है, 4 साल के प्रोग्राम में कम से कम 2.5 साल हाई स्पीड रेल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मेंटेनेंस कैसे होती है, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें स्टूडेंट सीखे. पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये कि जैसे ही 4 साल कंप्लीट होके बीटेक करके निकले तो वो स्टूडेंट एकदम इंडस्ट्री के लिए रेडी हो. तो जैसे आज MOU होगा एयरबस और गतिशक्ति विश्वविद्यालय का, इस MOU के जरिए से, इस पार्टनरशिप के जरिए से एविएशन इंडस्ट्री के लिए जो टैलेंट चाहिए, मान लो एयरलाइन का किसी भी एक एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के 50 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सब में से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसके लिए 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. वो सब गतिशक्ति विश्वविद्यालय में एयरबस के उनके गाइडेंस में गतिशक्ति विश्वविद्यालय में बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे. यानी जो बीटेक करके निकलेगा वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एकदम तैयार है, वो सीधा का सीधा एविएशन इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो सकता है.